दोस्तों, एक ऐसा देश जहां 5 लाख से भी ज्यादा महिलाएं पुरुषों की कमी की वजह से अकेली रहती हैं, क्योंकि इस देश में मर्दों की भारी कमी है और इस देश को पूरे यूरोप का सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है और जहां बेरोजगारी का तो नामो निशान भी नहीं है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक भी जहां पर ही देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जहां पर आलू की 300 से भी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रहा हूं उसका नाम है बेलारूस। आज हम बेलारूस के बारे में कुछ अनसुने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। बेलारूस पूर्वी यूरोप में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जिसके रिश्ते रूस के साथ काफी अच्छे माने जाते हैं और बेलारूस की संस्कृति और खान पान भी काफी हद तक रूस जैसा ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस में केवल 40 बैंक हैं और इनमें से 39 बैंक प्राइवेट और केवल एक बैंक ही सरकारी है। इस देश की कुल आबादी 95 लाख करीब है, जहाँ की 85% आबादी बेलारूस में ही जन्मी है और 15% आबादी रूस देश से संबंधित है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहाँ के 90 से 95% लोग रशियन भाषा में बात करते हैं, जबकि जहाँ की राष्ट्रीय भाषा बेलारूसियन है। जहाँ की करेंसी को बेलारूसियन रुबेल कहा जाता है और जहाँ का एक रुबेल भारत के 29 रुपए के बराबर है। साल 1986 में जहाँ परमाणु बम से हमला हुआ था, जिसकी वजह से जहाँ की 25% जमीन पर आज भी परमाणु रेडिएशन का प्रभाव है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में बेलारूस की 30% आबादी का खात्मा हो गया था। बेलारूस की महिलाएं विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से मानी जाती हैं और जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। जहां की 60% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जबकि 30% आबादी नास्तिक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। बेलारूस में वैसे तो देह व्यापार का धंधा गैर कानूनी है, लेकिन जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इस धंधे को आज भी करती हैं और जहां पर हर साल 10 लाख से ज्यादा सैलानी बेलारूस घूमने आते हैं। इस देश का लगभग 45% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए बेलारूस को यूरोप का फेफड़ा भी बोला जाता है। जहां का राष्ट्रीय पशु बाइसन है, जो कि सांड की एक प्रजाति है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस में कोई भी पहाड़ नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना खुद का ही पहाड़ बना रखा है जिसे नमक से बनाया गया है। इस पहाड़ को द साल्ट रॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बेलारूस में क्राइम रेट ना के बराबर है, इसलिए इसे यूरोप का सबसे सुरक्षित देश भी कहा जाता है, जहां आपको महिलाएं देर रात तक बाहर घूमते हुए दिख जाएंगी। बेलारूस की इकोनॉमी खेती पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है, जहां के आलू पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नीले रंग के आलू सिर्फ आपको बेलारूस में ही देखने को मिलेंगे। आज भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बेलारूस में बेरोजगारी 1% से भी कम है। बेलारूस को महिलाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि जहां पर 70 पुरुषों के मुकाबले 100 महिलाओं की गिनती आती है। जहां गाड़ियां राइट हैंड साइड पर चलती हैं और कॉल करने से पहले +375 नंबर लगाना पड़ता है। दोस्तों, ये थी यूरोप के सबसे सुंदर देश बेलारूस के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।